गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था बेटा, जिसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किसी चीज को हम अगर मान लो हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसे रखते हैं, ऐसे कोई चीज है वो हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो वो क्या डायरेक्शन चेंज करेगी, कहाँ जाएगी, इसके बारे में वो जानकारी चाहते थे। तो गैलीलियो ने एक चीज देखी कि भाई कोई चीज अपने डायरेक्शन नहीं बदल रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई क्यों ना इसके फोर्स को बढ़ाया जाए। तो उसने एक ऐसे स्लाइडिंग ली और यहाँ पर बॉल को रख दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अब ये बॉल कहाँ जा रही है, ये वापस जा रही है। अब ऐसा कोई प्लान आया कि भाई जब यहाँ से छोड़ा इस बॉल को तो ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कहीं नहीं जा रही थी बट यहाँ पर जा रही थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसने क्या किया, ये इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ाता गया, तो यहां पर ले आया, यहां से छोड़ के देख लिया, यहां से देख लिया, तो उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा था। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि भाई ये चीज जो है, ये गोल है, ये अपनी डायरेक्शन क्यों बदल रही है, यानी कि क्यों जा रही है आदमी की तरफ। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एक बार बुक देखते हैं। अब बुक है ये हमारे पास, मेरे पास अलग बुक है। तो उसने जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, उसने एक चीज बताई थी कि भाई 17 सेंचुरी में गैलीलियो ने, एक इटालियन साइंटिस्ट था ये, इसके बारे में पढ़ रहे हैं गैलीलियो के बारे में, इन्होंने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के बारे में बताया था। फिर यहां पर इसने क्या कहा कि भाई यहां और बढ़ा दिया जाए, तो इसकी स्पीड यहां तक, ये कहां तक जाएगा, ये यहां भी आएगा क्या नहीं आएगा, ये एक्सपेरिमेंट इसने बार बार किया, देखा कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया तो वो पहले यहां आता है, फिर यहां आता है, इसके बाद यहां भी जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है लगातार कंटिन्यूअसली। तो गैलीलियो ने वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट बताते हुए कहा था कि एक्सपेरिमेंट किया था जब उसने मार्क्स किए सारे कि भाई स्पीड जब हम कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट ही जा रही है, यहां तक ही आ रही है, जैसे घड़ी के पेंडुलम में होता है, तो यहां तक ही, यहीं से छोटा था यहीं तक ये ऊंचाई ले रही है। तो उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ ऐसा बताया कि हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसने जब स्पीड को इंक्रीज किया तो स्पीड डिक्रीज भी की, तो उसने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने कंक्लूजन में क्या लिखा कि गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या था, क्या लिखा था, ऑब्जर्वेशन क्या दिया था एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑब्जर्वेशन दिया था गैलीलियो गैलीलियो concluded that Galileo concluded that for continuing लगातार motion in horizontal horizontal motion in a horizontal plane no force is required, no force is required। तो उसने क्या बताया कि भाई कंटिन्यूटी में बताया कि गैलीलियो ने बताया कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी कि कंटिन्यू मोशन में, कंक्लूड क्या निकाला उसने, कंटिन्यूइंग मोशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसमें हमें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम किसी चीज को कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फोर्स लगाने के लिए। तो फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या लिख सकते हैं कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फोर्स। तो ये हमारे पास हो गया गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे
वो हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है, लॉ दे दिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है ये, और ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, याद भी करना है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो ये तो मैंने वैसे कंक्लूजन में लाया है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट एक क्वेश्चन है तो वो एनसीईआरटी की बुक में है, वो याद कर लेना। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, वो कल करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव ए नाइस टाइम, वेरी गुड, अच्छे बच्चे बनो।